गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 8 एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और फिर कौन कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं जिनसे हमें प्रॉफिट होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने पढ़ा था और कर्ड का एग्जाम्पल देखा था, ब्रेड का, बेकिंग का, ठीक है, और फर्मेंटेशन का। आज हम स्टार्ट करें पेज नंबर 20 से, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, ठीक है। क्या हम कोई औषधियाँ दवाइयाँ बनाने में भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है, वो सब पढ़ते हैं। सो व्हेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं या फिर इंजेक्शन देते हैं, सच है, जैसे कि पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन बने कहाँ से हैं, इनके सोर्स क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवी हैं। एंड दीज मेडिसिन किल, ये दवाइयाँ मारती हैं किसको या रोक देती हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने के कारण है वो सूक्ष्म जीव, उन सूक्ष्म जीवों को ये बीमारियाँ, ये दवाइयाँ, ये मेडिसिन मार देती है या उनकी ग्रोथ को रोक देती है। तो ऐसे मेडिसिंस क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंड दीज डेज आज की बात की जाए तो नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बहुत से एंटीबायोटिक्स हैं, एंड फ्रॉम द बैक्टीरिया और फंगी से, या स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन जो है एंटीबायोटिक्स है, विच आर मेड फॉर द फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगी और बैक्टीरिया से ही बनाए गए हैं। एंड द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोविंग द स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। जो एंटीबायोटिक्स जो बनाए जाते हैं आपके, वो बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोविंग से बनते हैं एंड इनका यूज किया जाता है कई तरह की डिजीज, वेराइटीज ऑफ जो डिजीज है उनको ठीक करने में। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लिविस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले हम जो ये जो दवाइयाँ बनाते हैं एंटीबायोटिक्स को, इनको मिक्स करते हैं द फीड ऑफ द लिविस्टॉक, हमारे जो जो भी चीज़ें हैं डेली लाइफ की जो है, और उसको चेक किया जाता है कि कोई कोई एनी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। एंड दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में लाभदायक होती है। देखो सबसे पहले बात करते हैं 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्किंग किया स्टार्ट कल्चर ऑफ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, कि जो हमारे जो ये बैक्टीरिया होते हैं इनसे जो डिजीज होती है उन पे। एंड सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मॉल्ड इन वन ऑफ द हिज कल्चर प्लेट्स। उन्होंने अपनी कल्चर प्लेट्स पे छोटे छोटे ग्रीन स्पॉट्स देखे, मोल्ड्स देखे, एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मॉल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि जो मॉल्ड बन रहे हैं इनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, एंड इनफैक्ट ऑल्सो किल्ड द मेनी दीज बैक्टीरियाज को, कई बैक्टीरिया उन्होंने खत्म भी कर दिया है। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और वहीं से इन्होंने माउल्ड पेनिसिलिन को बनाया, कि पेनिसिलिन जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। आपको ये भी बता दूं कि मेडिसिन जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, वो आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए, एंड यू ऑल्सो मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। और जो भी कोर्स आपको डॉक्टर दे रहा है उसको कम्प्लीट करना चाहिए। इफ़ यू टेक द एंटीबायोटिक्स एंड वैन नॉट नीडेड और रॉन्ग डोजेज, अगर आपको ज़रूरत नहीं है या आपने गलत दवा ले लिए, तो इट मे द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, और ये आपको नुकसान पहुँचा सकता है। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर आप बिना आवश्यकता के कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंटीबायोटिक्स उनको भी खत्म कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू, लेकिन आपको जब भी कभी बुखार होता है या फ्लू होता है तो कोई भी एंटीबायोटिक्स आपको असर नहीं करेगा। कारण, क्योंकि ये सारी जो बुखार और फ्लू है ये किससे होता है, ये आपको जो है वायरस से होने वाली डिजीज़ है, और वायरस से रिलेटेड डिजीज में एंटीबायोटिक जो है आपके लिए कोई लाभदायक नहीं है। अपने आप ही ठीक होता है कोल्ड फ्लू, आप कुछ मेडिसिन ले सकते हो जिससे आपका स्टेमिना बढ़ जाए, दैट्स। अब बात करते हैं अपन वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जब वैक्सीन की, तो व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी,
जब कोई डिजीज कैरिंग माइक्रोब जो बीमारी पैदा कर सकता है ऐसा कोई सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाए एंड द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, और जब से ही वो बीमारी वो फैलाने वाला कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है उससे फाइट करने के लिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है। एंड द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इट एंटर्स अगेन, और हमारी बॉडी ये भी जानती है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा फिर कभी शरीर में आया तो इससे कैसे लड़ना है। ठीक है, सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, मरे हुए और कमजोर माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, अगर वो एक स्वस्थ शरीर में चले जाते हैं तो बॉडी फाइट्स एंड किल्स इन्वेडिंग, और बॉडी लड़ती है उनसे, फाइट करती है, बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज को बना करके खत्म कर देती है। एंड द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी, और वो हमेशा रहता है वो एंटीबॉडी बॉडी में, एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, अगर भविष्य में कभी भी वो डिजीज बायपास से फैलाने वाला वो माइक्रोब अगर फिर से आएगा, जैसे मान लो अगर आपके मलेरिया हो गया, मलेरिया से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन गया और अगर फिर से मलेरिया का पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी उस एंटीबॉडीज से उसको खत्म करेगी, फिर भी हमें मेडिसिन लेने पड़ते हैं ताकि हमको उससे लड़ने की ताकत मिले, स्टेमिना मिले। ठीक है, लेकिन हर वायरस जो होता है वायरस उसको हमारे शरीर का एंटीबॉडी खत्म करता है, या फिर हम ऐसे वैक्सीन बनाते हैं अगर हमारे एंटीबॉडी नहीं बन पा रहा है तो। सो दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, तो अभी हम यही देखेंगे कि वैक्सीन कैसे काम करता है। तो पहला वैक्सीन का काम यही है कि जो भी वायरस है उस डिजीज कोजिंग माइक्रोब का वीक पार्ट या वीक वायरस उसको वीक करके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ डेवलप एंटीबॉडी बना ले, और वो एंटीबॉडी फिर जब वो वायरस आए तो उसके ऊपर वो काम करे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन। सो दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स, सेवरल डिजीज कई बीमारियां हैं इंक्लूडिंग ऑफ जैसे कोलेरा, हेजा, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस ए बी सी भी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन, इन सबको हम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से रोक सकते हैं टीका लगा करके। एडवर्ड जेनर वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का 1798 के अंदर। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज, बचपन में आपको कई तरह के इंजेक्शन लगे होंगे बीमारी से बचाने के लिए, आपने उनकी लिस्ट भी बनाई होगी, अपने पेरेंट्स से भी पूछा भी होगा कि आज ये 2 महीने में ये टीका लगा, 4 महीने में ये टीका, 6 महीने में ये टीका। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द ओल्डर चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज, और ये जरूरी है सभी बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए। नेसेसरी द वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स के आसपास, सरकारी डिस्पेंसरी सब जगह मिल सकता है। एंड यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट टीवी में, न्यूज़पेपर में, सब जगह पल्स पोलियो अभियान जो चलाया गया था, आपको पता हो कितना बड़ा कैंपेन था। आज इंडिया में नहीं है पोलियो, हट चुका है, पूरी तरह से खत्म हो गया है पोलियो। तो ये वैक्सीन लगाए जाते हैं इस तरह से कैंपेन चला करके ताकि हमारे भविष्य में वो कई तरह की बीमारियां होने से हम बच सके। ठीक है, ये था आपका। सो दीज डेज वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सेवरल डिजीज, कई तरह की बीमारियों से हमको बचाती है। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फेयर टू इनरिच, जो धरती में नाइट्रोजन के फिक्सेशन का काम करते हैं मिट्टी में, जिससे मिट्टी फर्टाइल होती है। हमारे एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में होना जरूरी है क्योंकि प्लांट्स के लिए उपयोगी है, और उसको फिक्सेशन करने का काम कुछ बैक्टीरिया करते हैं, और वो बायोलॉजिकली उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स, तो काफ़ी अच्छे हैं एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का काम करते हैं, एंड इसमें एक पहली एक एक्टिविटी बता रखी है। एंड आपने देखा होगा कि यू ऑफन सी द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर्स ऑफ द फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम्स द डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, कई बार कुछ मरे हुए जानवर हैं या कोई पेड़ टूट गया उसके पत्ते टहनियाँ या वो सब ग्राउंड पे जमीन पे पड़े रहते हैं, उनमें से गंदा स्मेल भी आता है, और वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं उन 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 मरे हुए जानवर को, उन डेड एनिमल्स को डिके कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, उनको माइक्रोब छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ तो होता ही आपको पता ही, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, स्पेंजर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, ये सब ऐसे हैं। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं, जो सूक्ष्म माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं जो फीडिंग करते हैं उन मरे हुए डेड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स का,
ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट भी साफ होता है, बदबू नहीं होती है, गंदगी नहीं फैलती है। सो दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव टू डिस्कसिंग अबाउट, क्लीनिंग एनवायरनमेंट, इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी, मेडिसिन बनाने में, कॉमर्शियली यूज के अंदर, और मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड के अंदर, ठीक है। इन सब में माइक्रोजम्स का योगदान होता है, और ये हमारे लिए जरूरी भी था, ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल थे। लेकिन वो माइक्रोजम्स का क्या करें जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो नुकसानदायक है, जो कारण बनते हैं शरीर में बीमारियों का, जिनको बोलते हैं अपन पैथोजन्स, जो इंजेक्ट कर जाते हैं हमारी बॉडी में किसी ना किसी सोर्स के थ्रू, चाहे से वो हवा हो, पानी हो, खाने की चीज हो, या कोई इंजेक्टेड पर्सन हो, इन्फेक्टेड हो, किसी भी थ्रू कोई भी सोर्स हो सकता है, और फिर वो बॉडी में जाके कोई बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर द हार्मफुल इन द मेनी वेज, कई तरीकों से हमारे नुकसानदायक हो सकते हैं। सम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, कुछ हमारे शरीर में बीमारी का कारण बनते हैं। एंड प्लांट्स आर एनिमल्स सच एज डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं, इनको हम बोलते हैं पैथोजन्स। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म्स स्पॉइल फूड, खाने को खराब कर देते हैं, क्लोथिंग एंड लेदर, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट ये हार्मफुल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से माइक्रोजम्स होते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। दो क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसको आपको यहाँ तक वीडियो को देखना है और समझना है, चैप्टर को रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।